खेरची पटाखे विक्रय के लिए पुराने लाइसेंसी पटाखा व्यापारियों को ही दुकानें आवंटित की जाएंगी। वहीं पिछले वर्ष की तरह इस बार भी मूसाखेड़ी में पटाखा बाजार नहीं लगेगा। यहां के व्यापारियों को बंगाली चना से बाजार में शिफ्ट किया जाएगा। बड़ा गणपति स्थित शारदा कन्या स्कूल में लगने वाला खेरची पटाखा बाजार इस बार पोलिंग बूथ बनने के कारण नहीं लग पाएगा। दरअसल जिला प्रशासन शहर में खेरची पटाखा व्यापारियों के लिए 4 दिन के लाइसेंस जारी करेगा। आवंटन प्रक्रिया के बाद 2 दिन में दुकानें तैयार कर व्यापारियों को दी जाएंगी। सयाजी होटल के सामने लगने वाले पटाखा बाजार का स्थान बदलकर महालक्ष्मी नगर के सामने वाला मैदान कर दिया गया है। दुकानदारों को सुरक्षा की सभी जरूरी वस्तुओं का ध्यान रखना होगा। दुकान में अग्निशमन यंत्र और रेत की बोरी रखना अनिवार्य होगा। नहीं नहीं ठीक है, कोर्ट के निर्देशानुसार दुकानों को समय पर बंद करना होगा। सभी खेरची पटाखा बाजारों की व्यवस्था देखने के लिए आरआई और पटवारी को नियुक्त किया गया है। वहीं बंगाली चौराहा, आईडीए मैदान, संयुक्तागंज स्कूल, दशहरा मैदान, राव गंजी कंपाउंड, लोखंडे ब्रिज, चिमनबाग, मालवा मिल, गांधीनगर और महालक्ष्मी नगर मैदान पर दुकानें लगेंगी।